हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल। और होप कि आप सब इस ड्यूरेशन बहुत अच्छे से होंगे। ये फॉर नॉट फॉर सेलिंग है कि मैं इसमें कुछ भी सेल कर रही हूँ, बट मैं आपको एक आइडिया के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी आपको देखते होंगे डीप नेक ब्लाउज बनवाते हैं, हाई नेक ब्लाउज बनवाते हैं, सब मोस्टली जितने भी ब्लाउजेस बनवा रहे हैं सब में पैड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो उसी पे है कि हमें किस टाइप का पैड चूज करना चाहिए अपने ब्लाउज के लिए, क्योंकि ब्लाउज ऐसी चीज है जो आपकी पूरी ओवरऑल लुक उसी पे डिपेंड करती है। और पैड की ना बहुत अलग अलग रेट आते हैं मार्केट में, बट ऑब्वियस सी बात है आप इतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली ब्लाउज तो सिलाते नहीं हो। कुछ ऐसे ब्लाउजेज होते हैं जिसको आप मल्टीपर्पज यूज करते हो, तो वैसे में क्या होगा कि आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने पैड की क्वालिटी पे। अगर टेलर को आप बोलो कि मुझे अच्छे क्वालिटी की पैड चाहिए, तो अगर वो थोड़ा सा ज्यादा पैसे लेते हैं ना, तो प्लीज उसमें आप पे कर दिया करो। क्योंकि क्या हो जाएगी कि जब पैड अच्छी होती है तो पूरी फिटिंग भी अच्छी होती है, और आफ्टर वॉश जो है पैड की क्वालिटी अगर अच्छी है तो वो खराब नहीं होती। तो इसी पे अपन बात करेंगे कि किस टाइप की पैड हमें यूज करना चाहिए, और हैवी ब्रेस्ट जिसके होते हैं उसके लिए भी उनके लिए किस टाइप की पैड होती है, और उनको किस टाइप का ब्लाउज सिलवाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे मेरे पास कुछ पैड है मैं वो दिखाती हूँ। तो ये ब्लैक कलर की है और इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो भी मैं अपने ब्लाउजेस बनवाती हूँ उसमें मैं यही यूज़ करवाती हूँ। ये 175 की है, मतलब पैड 175 की है ये पैड, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। थोड़ी सी थिक है, तो आप ये देख सकते हो। मैं आपको अपनी ब्लाउज दिखाती हूँ, ये देखो। इसमें पैड के साथ बनी है क्योंकि इसकी जो नेक है वो डीप है, तो आप यहाँ देख सकते हो। ये मैं ब्लैक ब्लाउज के लिए लेके आई हूँ, और यहाँ पे इस मेनली दो ही कलर, दो तीन कलर आते हैं, स्किन कलर, क्रीम कलर एंड ब्लैक कलर। तो ये देखो, इस तरीके से आपको पैड सिलवानी है। तो ये हो गई, मतलब डीप नेक वाली ब्लाउज हो गई, उसमें मुझे पैडेड सिलवानी है। तो ये क्वालिटी होती है। अब इसकी क्वालिटी यहाँ से देखोगे ना, तो ये आप कितनी भी वॉश करोगे यहाँ पे ये श्रिंक वाली जो मतलब जो टच होती है वो नहीं आएगी। तो इसीलिए इसकी क्वालिटी आपको हमेशा थोड़ी अच्छी रहना चाहिए। जैसे ये 34 साइज है, कप जो भी आप इनर वेयर पहनते हो ना, आपको हमेशा ब्लाउज उससे एक साइज बड़ा या दो साइज बड़ा सिलवाना चाहिए, मतलब पैड, इन द सेंस ये पैड। वैसे टेलर मास्टर खुद ही ऑलरेडी वो एक्सपर्ट होते हैं, वो कर देते हैं, इसीलिए हमेशा आप पैड पे इन्वेस्ट करो इस तरीके से। और देखो मैं आपको खुद भी दिखा रही हूँ कि अगर कोई खराब पैड होती, मतलब थोड़ी कम रेंज की, तो आप इसमें देख सकते हो अभी ये बनी भी नहीं है, मतलब ब्लाउज सिली भी नहीं है, और इसमें क्रश देखो आप, अब देख रहे हो ये 55 रुपीज की है और इसमें आप क्रश देखो, आपको शायद दिख रही होगी ये। तो ये अगर अभी बिना सिले इसकी ये है कि जैसे मतलब अगर आप ऐसे रख दोगे तो ऐसी ही हो जा रही है, तो सिलने के बाद धुलने के बाद आप सोच सकते हो कि इसकी क्वालिटी कैसी जाएगी। तो ये मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए है, इसीलिए ये ना यूज करके फिर मैं ये लेके आई हूँ। आप ये देखो, अब दोनों का डिफरेंस आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये एक्चुअली उनके लिए है जिनकी हैवी ब्रेस्ट होती है, ये अप टू 42 ब्रेस्ट वाले के लिए ये साइज है, कप की साइज इससे भी ज्यादा आती है। तो ये है मतलब बड़े हैवी ब्रेस्ट वालों के लिए। तो ये देखो आप दोनों कप साइज में आपको डिफरेंस पता चल रही होगी, ठीक है। इवन एक और थी मेरे पास, ये और बेकार हो गई थी, मतलब तीन क्वालिटी थी आप ये, और तीन तीन के तीन क्वालिटी में आपके पास लेके आई हूँ। आप इसमें देखो, इसकी शेप अभी ही इतनी बुरी लग रही है, अगर ये सिल जाएगी तो कितनी ज्यादा अजीब सी हो जाएगी शेप, आप पीछे से भी देख सकते हो ये देखो। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इन अगर आप ब्लाउज सिलवाते हो तो प्लीज़ ये श्योर कर लो कि ब्लाउज की जो है आपकी क्वालिटी जो होगी आपकी पैड की, वो बहुत अच्छी क्वालिटी होगी। और जिनकी भी हैवी ब्रेस्ट होती है उनको लगता है कि वो पैडेड नहीं पहन सकते, या फिर डीप नेक वगैरह, और ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पैड नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी वाले पैड नहीं आते, एक थिन वाली भी पैड आती है, आप वो यूज़ कर सकते हो। जैसे ये मैंने लिया है ना, आपके ऊपरी सिरा आप देख सकते हो, इतनी पतली भी पैड आती है, एकदम आपकी इनर वियर के मतलब उस टेक्सचर की, आप वैसा भी पैड यूज़ करोगे वो 300-400 के रेंज में आती है, बट वो बहुत अच्छी होती है। और आप अगर एक थोड़ा सा डीप नेक का ब्लाउज सिलवा लोगे ना, एकदम प्लेन फैब्रिक का, तो आप कोई भी डिजाइनर अगर आप ब्लाउज पहन रहे हो ना, तो उसके नीचे वही ब्लाउज जो आपने प्लेन सिलवाया है वो एज ए इनर वेयर आप पहन सकते हो, तो आप वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इस तरीके का जो पैड होता है उसके नीचे, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास एक्चुअली वो पाइपिंग नहीं है, जो मतलब अंडर वायर जो होती है जो यूज होती है वो नहीं है, दूसरी है,
कुछ इसी टाइप के अंडरवायर आते हैं जो थोड़ी हार्ड होती है, मतलब आपको एकदम जैसा आप रखोगे ना वैसे सेप का रहता है। तो इस तरीके का ना कुछ आपको वायर सा यूज करते हैं जिनको हैवी ब्रेस्ट है, मैंने देखा है मास्टर जी को यूज करते हुए। तो मतलब जो भी हैवी ब्रेस्ट होते हैं ना उनके में ऐसे वायर यूज करते हैं नीचे वाले पोर्शन में ताकि फुल सपोर्ट रहे। तो इसीलिए पैड के साथ आपको अगर थोड़ा हैवी ब्रेस्ट है तो आपको वहां पे वायर भी उनसे, मतलब जो भी टेलर जी होंगे उनसे वायर भी अगर आप यूज करवाओगे ना तो फिर आपकी जो शेप है वो मतलब बहुत अच्छी आएगी। तो ये हैवी ब्रेस्ट वालों के लिए टिप्स है कि आपको अंडर वायर यूज करवाना चाहिए और लाइट पैड आपको यूज करना चाहिए अगर आपको लगता है ब्लाउज करने के लिए। और ये नॉर्मल जो, देखो आपको खुद ही पता चल रही होगी दोनों चीजें मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, इनफैक्ट तीन डिजाइन ये होती है। कि ये आज के लिए मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब चीजें बेकार हो रही हैं। ये देखो इस समय मैंने ये वाली पैड यूज की है। तो आपको भी यही करना है कि ब्लाउज पे, डिजाइनिंग पे, उसके पाइपिंग पे, उसके चेन पे इन्वेस्ट करने से बेटर उसके पैड की क्वालिटी पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये क्वालिटी रहेगी तभी आपकी ब्लाउज बहुत लाइफ लॉन्ग चलेगी और उसकी शेप कभी खराब नहीं होगी। तो हमेशा आप पैड थोड़ी अच्छी क्वालिटी का लो। अगर टेलर मास्टर के पास नहीं है, जहाँ से भी आप सिलवाते हो, तो आप मार्केट से जाके अच्छे से क्वालिटी की बाई करो, एक बार टेक्सचर छू के देखो। क्योंकि जो मैंने फील किया है कि जो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है छूने में, और जो हार्ड होती है, सॉरी जो लो रेट की होती है और या तो जो बहुत बहुत हार्ड होती है, आप खुद भी उसको इमेजिन कर सकते हो कि हार्ड चीज़ को अगर आप पानी से वॉश करोगे तो वो थोड़ी सी टूट सी जाती है। तो ये है इसकी मतलब आज की वीडियो की ये बात। तो होप कि ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। पैड की क्वालिटी अगर आपको समझ आ गई होगी तो अगली बार आप जब भी ब्लाउज सिलवाते हो तो आप उस पे ध्यान दे के पक्के से सिलवाओ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। और ये जो मैंने ब्लैक पहना है ये रेडीमेड है, कोई ब्लाउज नहीं है, ये क्रॉप टॉप है। इसकी साड़ी के साथ मैं वीडियो आज शूट कर रही थी इसलिए मैं बैठ गई हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और लेके आती हूँ। अगर आपको भी कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।